हेलो दोस्तों, मैं हूं देव। आज मैं आपके लिए लाया हूं दिल्ली के स्पेशल राजमा चावल की रेसिपी। चार लोगों के लिए राजमा चावल बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम राजमा, 4 घंटे सोक किए हुए, 3 बड़े टमाटर, 4 मीडियम साइज प्याज, 8-10 लहसुन की कलियां, आधा अदरक, 7-8 हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार, 4 चम्मच रिफाइंड। चलिए अब राजमा उबाल लेते हैं। मैंने इसमें राजमा के 1.5 गुना पानी लिया है। अब हम इसे 4 सीटी लगने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसको बड़े बड़े पीसेस में काट के जार में डाल लेंगे। चलो अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब प्याज की तरह टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे बड़े बड़े पीसेस में काट के। अब इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें रिफाइंड डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद अब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे लाइट ब्राउन होने तक चलाएंगे। अब ब्राउन होने के बाद इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब इसे 1 मिनट तक चलाएंगे। अब इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक इसे पकाएंगे। अरे मैं हींग तो भूल गया था, अब इसमें हींग भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला नीचे ना लगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें राजमा डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल लेंगे। अब इसके अंदर एंड में गरम मसाला डाल देंगे और उसके बाद 1 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे।